हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग। वो है, कल मेरे पास वापस से एक अनबॉक्सिंग पैकेज आया, पता नहीं था क्या है। सो दिस इज़ द बॉक्स एंड आई नो फ्रॉम वेयर इट इज़ बिकॉज इस पर नाम लिखा हुआ है सेंट बोटैनिका। इन लोगों का मेरे पास कुछ दिन पहले मेल आया था दैट दे वॉन्टेड मी टू रिव्यू देयर प्रोडक्ट्स। तो लेट्स चेक इट आउट। और इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ रोबस्टा कॉफ़ी पील ऑफ मास्क विच कॉस्ट 500 रुपीज़। एंड द बेस्ट थिंग इज इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत लेटेस्ट है और 3 ईयर्स तक ये सही रहता है, तो वर्थ इट। एंड सेकेंड थिंग इज सेंट बोटैनिका की ही विटामिन सी ई सी ई एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रीम, नाइट क्रीम। तो बेसिकली 50 mg के लिए आपको देने पड़ेंगे 1200 रुपीज़। इसकी MRP है 1200, बट मुझे नहीं पता इसकी सेलिंग प्राइस क्या है बिकॉज आई हैवन चेक इट आउट येट। बट ऑब्वियसली बॉक्स पे लिखा है फॉर बॉस्ट बेस्ट ऑफर्स चेकआउट सेंट बोटैनिका .in। और आप लोग शायद इसको अमेजोन से भी बाई कर सकते हैं, इधर फ्लिपकार्ट, आई डोंट नो, हर जगह अवेलेबल होगा क्योंकि बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया जो क्रुएल्टी फ्री और वीगन है। तो मेक श्योर टू चेक दम आउट फर्स्ट और देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। और बाकी बात करते हैं इन चीज़ों की, तो विटामिन सी एंड ई, यू ऑल्सो नो कि ये जनरली स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। विटामिन सी शक्ल को क्लीन करता है अपनी, फिर मतलब सारे पोर्स साफ़ करता है और ब्लैकहेड्स निकालता है। और सेकंड विटामिन ई मॉइस्चराइजर देता है और प्रॉपर जितनी भी वो अपने शक्ल को, जितना भी फेस को स्मूथनेस की होती है वो विटामिन ई से मिलती है। सो अब ओपनिंग करते वक्त एक चीज़ समझ आ गई, डब्बा बहुत बड़ा है, अंदर इतना बड़ा पैकेज नहीं है। यस, एंड एज यूजल द बॉक्स लुक्स प्रिटी क्लीन, बहुत ही कूल लुकिंग है, गोल्डन स्किन। और यू मस्ट नो 50 ग्राम्स है तो दिखने के लिए बड़ा है, खाली अंदर खाली इतना सही आता है। सो डोंट बी मिसगाइडेड विद दैट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। स्मेल्स लाइक लेमन, ऑब्वियसली खट्टा है, विटामिन सी तो खट्टा ही होता है। आई एम स्टिल गोना ट्राई इट, थोड़ा सा लगा के देखते हैं कैसा है, क्योंकि अभी मैं नहाया ही थोड़ी देर पहले और मैंने कुछ लगाया नहीं मुंह पे अपने। मे बी नाइट क्रीम है, नहीं लगानी चाहिए या लगानी चाहिए मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट गोना ट्राई इट फॉर द रिव्यू कि पता तो चले क्या है। मेरे चेहरे पर बहुत सारे एक्ने हुए हैं वापस से, जस्ट बिकॉज मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया है। रेगुलर फेस वॉश जो मैं यूज़ करता था एल्बर्ट का, और अभी उसका नया स्टॉक आ नहीं पा रहा है मेरे पास, तो मुझे दूसरा यूज़ करना पड़ रहा है। इट्स नॉट वर्किंग वेल। सो यप, यू कैन सी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो चुकी है, बट या इट स्मेल्स काइंड ऑफ लेमन, लाइक लिटरली इसमें खट्टा खट्टा सा फील आ रहा है। सूंघने पर लगता है कि यू आर गोना गेट स्नीज बिकॉज मेरे को साइनस, आप लोग जानते हैं, तो कुछ भी अजीब सा स्मेल होती है तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। सो आफ्टर अप्लाइंग इट आई कैन से दैट इट हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब बिकॉज माई स्किन इज इन ग्लोइंग टू मच, बट स्टिल इट इज इन लुकिंग पेल और समथिंग लाइक ड्राई। सो दिस इज़ अ गुड वन, विटामिन सी ई एंड हेल्यूरोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम, यू कैन ट्राई इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा सेंट बोटैनिका का, मैं आप लोग चेक कर लीजिए उसको। एंड द सेकेंड थिंग इज़ रोबस्टा कॉफ़ी पील ऑफ मास्क। रोबस्टा कॉफ़ी क्या होती है मुझे पता नहीं, बट पील ऑफ मास्क कॉफ़ी का बहुत अच्छा होता है। आई हैव यूज चारकोल वंस बिफोर, मैं अभी भी चारकोल वन यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ द बॉक्स, अंदर क्या क्या है, कुछ नहीं होगा यार ऑब्वियसली, खाली एक पील ऑफ मास्क होगा। इसकी क्वालिटी बहुत, क्वांटिटी बहुत बढ़िया है, 100 ml फर्स्ट टाइम आया है, अभी तक मैं ओनली 50 ml 50 ग्राम वाला यूज़ कर रहा था। तो इसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ अभी, बट अभी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। तो इसका रिव्यू मैं आपको इंस्टाग्राम पर दे दूँगा, यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम विद द सेम नेम ISD व्लॉग्स। और या जितना मैं क्रीम के बारे में कहूँगा बहुत अच्छी लगी, और आई एम डैम श्योर कि
पील ऑफ मास उससे भी अच्छा होगा। मैं खोल के देख रहा हूँ एक बार और इसकी खुशबू भी ले लेते हैं। इसे स्लाइस कॉफ़ी, प्रॉपर कॉफ़ी, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे पहले का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। अब शायद मैं ट्राई करूँगा ब्लॉग्स करने की, बिकॉज आज भी शायद मैं कहीं जाने वाला हूँ, तो होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ सही रहे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।